ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पंचशील भक्तवृंद दामोदर देश भक्तवृंद फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत परम वैष्णव भगवान शंकर रुद्र गीत प्रचेता प्राचीन बरहित के पुत्रों को सुना रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की भक्ति उपासना करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। तो आइए 34वें श्लोक से आगे आज सत्संग चलेगा। नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। भगवान शंकर कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनो आप जो मंत्र मैं उच्चारण करने जा रहा हूँ। नमः पंकज नाभाय, जिसकी नाभि से कमल और जिसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसे भगवान पंकज नाभ को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये भगवान क्या करते हैं? भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मने, ये सृष्टि में पांच भूतों की सृष्टि, तन मात्राओं और इंद्रियों की सृष्टि करते हैं। ये सबकी सृष्टि करने वाले हैं, उनका ये उद्गम स्थान है। कौन है उनका नाम? वासुदेवाय शांताय। वो वासुदेव है जो अंतःकरण में चित्त के देवता है, क्योंकि आने वाले चार श्लोकों में अंतःकरण के चार जो देवता है, इसके बाद संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये आएंगे, और 10.5 श्लोकों में भगवान जो विश्व रूप है, ये सारा विश्व है, उसका वर्णन 10.5 श्लोकों में है। यहाँ से तो वासुदेव कैसा है? बोले शांता है, कूटस्था है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता है। वो अपने आप स्वयं प्रकाशित है, स्वरोचसी। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान जो सारी सृष्टि के उद्गम है, कारण है, जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, और वो भगवान इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के नियंता है, वो सर्वव्यापी है, वासुदेव हैं, और भगवान शांत हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। जो 6 परिवर्तन जीव के लिए शरीर में आते हैं, वो भगवान के शरीर में नहीं आते। चक्रवर्ती पाद भाव लिखते हैं तन मात्रा और इंद्रियों के स्वामी, जिनकी नाभि से कमल निकलता है, उस वासुदेव जो चित्त के अधिदेव हैं और जिनकी सुंदरता में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो हमारी चेतना को स्थिर करने में करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि चित्त के अधिदेव हैं तो हमारी चेतना को भगवान के ऊपर स्थिर करें। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भक्ति के लिए सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है,
तो इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इंद्रियों के देवता, इंद्रियां भगवान ने प्रकट की है तो भगवान उनके स्वामी हैं। तो इसके लिए भगवान की कृपा से वो हमारी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाएं, प्रार्थना करते हैं। और इस प्रार्थना में कहते हैं, आप तन मात्राओं के, भूत सूक्ष्म के, इंद्रियों के देवता हैं और के नियंता है, हे कमलनाथ भगवान, मेरा शरीर, शंकर जी कहते हैं, उस ब्रह्मा से प्रकट हुआ है जो कमल के ऊपर आपकी नाभि से प्रकट हुआ। अब मैं इस शरीर से आपकी भक्ति कर सकूं और उसके लिए सहयोगी हो, ये मेरे लिए कृपा कीजिए। वासुदेव जो चित्त के अधिदेव है उसको मैं प्रार्थना करता हूं, जो प्रथम चतुर्व्यूह है और सारे शरीर इंद्रियों इसके समूह की जो चेतना है उसके स्वामी है वो वासुदेव, मेरे चित्त को शांत करें, कूटस्थ करें, इधर उधर ना भटके, भगवान के चरणों में लगे और मेरी भक्ति दृढ़ हो। और आप अपने सुंदर स्वरूप को स्वरेच रोच सा अपने आप प्रकट करके दर्शन कराओ भगवान, ऐसा चक्रवर्ती पाद का भाव है श्लोक के विषय में। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, जो गर्भ सागर में शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल और उसके कप ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है और फिर ब्रह्मा जी सारी सृष्टि का सर्जन करते हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, भगवान विष्णु उसको मैं नमस्कार करता हूँ, जो सारे इंद्रियों और तन मंत्रों के नियंता है। भगवान शंकर कहते हैं, मैं भी तो उसी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हूँ, तो इसी सृष्टि में प्रकट हुआ हूँ, तो मेरे भी आप ही नियंता हैं सबके, और आपका नाम ऋषिकेश है, आप इंद्रियों के स्वामी हैं और इसलिए ये सारी इंद्रियां आपकी सेवा में लगे, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें। तो अगर बद्ध स्थिति में जीव जो है अपनी इंद्रियां अपने भोग के लिए उपयोग करता है, परंतु यहाँ भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि इंद्रियां उत्पन्न ही भगवान ने की है, उनका संचालन भी भगवान करते हैं, तो उनको लगानी भी भगवान की ही सेवा में चाहिए। तो ये भाव शंकर जी का यहाँ है और इनके अंदर कोई दोष ना आवे, भौतिक प्रभाव न पड़े, इसलिए भगवान वासुदेव हमारे ऊपर दया करो, हमारा सहयोग करो, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं और हमारे इंद्रियों को आप भक्ति में लगाने में सहयोग कीजिए और इधर उधर न भटके, आपकी सेवा में लगे, ये कृपा कीजिए। तीन शब्द प्रभुपाद जी कहते हैं महत्वपूर्ण है, शांताय, कूटस्थाय, स्वरोच से। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिक जगत में तो सारी भौतिक चीजों में परिवर्तन आता ही रहता है, छह प्रकार का क्या होता है, वो विचलित होती रहती है, भूख लगती है, प्यास लगती है और दुखी होते हैं, भ्रमित होते हैं और फिर बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, ऐसे कई छह प्रकार के, ये भूख प्यास के और कई और नम प्रकार का उदाहर देते हैं, जन्म लेना, बड़े होना, अपने से पैदा करना, कुछ समय रहना, फिर बूढ़ा होना और फिर मरना, वो भी छह परिवर्तन शरीर में है और ये भी छह शरीर में परिवर्तन होता है, भूख प्यास चिंता भ्रम ये सब शरीर में होते हैं मृत्यु तक। परंतु भगवान, आप भले भौतिक जगत में भी आए फिर भी आप में ये परिवर्तन नहीं होते हैं, आप तो परमात्मा के रूप से हो, ये वासुदेव आप के ऊपर इन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आपको कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ, हमने आपको कहीं भगवद गीता में बताया होगा, कूटस्थ शब्द का अर्थ होता है जिसके ऊपर कूटा जाए, कूटने वाली चीज के तो रंग रूप बदल जाए परंतु जिसके ऊपर कूटा जाए वो वैसे का वैसे रहे,
जैसे सुनार के पास जो लोहे का एरन होता है उसके ऊपर कितने आभूषण बनते हैं, परंतु वो वैसे का वैसे रहता है, इसको कहते हैं कूटस्थ। तो भगवान से कितनी सृष्टियाँ हुई, कितनी 84 लाख जूनियाँ उनके ही निर्देश में हुई, लेकिन भगवान जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए भगवान को कूटस्थ कहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान शांत है और उनकी शक्ति को यहाँ स्वरोजसा कहा गया है, क्योंकि अपने स्वयं प्रकाशित है, उनकी दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में जो जीव है वो भी चेतन है, उसका प्रकाश वो भी भगवान का है, परंतु उसका दिव्य स्थिति से नीचे पतन होना संभव है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, वो भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में, भौतिक भवसागर में गिर पड़ता है, परंतु भगवान के ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ता है भौतिक जगत का, इसलिए भगवान को कहते हैं स्वयं प्रकाशित है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भौतिक जगत में हम सब जीव भगवान की सुरक्षा वासुदेव के शरणागत हो जाएं, उनकी भक्ति में लगें, तो निश्चित रूप से पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक में चित्त के अधिदेव वसुदेव को, चित्त इंद्रियां ये सब भगवान की भक्ति में लगाने के लिए प्रार्थना है। आगे वाले श्लोक में अहंकार के और बुद्धि के देवता अथवा अधिदेव चतुर्व्यूह में संकर्षण और प्रद्युम्न को प्रार्थना है। 35वां श्लोक पढ़ रहे हैं। संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने संकर्षणाय सूक्ष्माय। संकर्षण आप बहुत सूक्ष्म ये जगत की सृष्टि भी करते हैं, दुरंताय अंतकाय च, और आप दुरंत हैं, आपका कोई आपसे आगे नहीं जा सकता है, और इस जगत का अंत भी आप ही करते हैं। नमो विश्व प्रबोधाय, विश्व को प्रबोध देने वाले, बुद्धि में प्रेरणा देने वाले प्रद्युम्नाय अंतरात्मने, जो हमारे अंतःकरण में आप विराजमान हैं, आपको नमस्कार है। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान आप सूक्ष्म भौतिक प्रकृति के सारे तत्वों का सृष्टि करने वाले, उनका आद हो, वो आपसे निकलते हैं, आप उन सबको उन सब के स्वामी हो, उनको कठा भी करते हो और उनको फिर बिखेर के प्रलय भी कर देते हो, बिखेरना और कठा करना, और उसके जो अधिदेव है आप संकर्षण है, और जो बुद्धि के देव जिसको प्रद्युम्न कहते हैं उसको प्रणाम करते हैं। और चक्रवर्ती पाद भाव लिखते हैं जो सूक्ष्म है उसको मैं प्रणाम करता हूं, सूक्ष्म को, अनंत को, जो संकर्षण है, जो अहंकार के अधिदेव है, जो विश्व की प्रलय करते हैं, और मैं प्रद्युम्न को प्रणाम करता हूं जो बुद्धि के अधिदेव है, जो इस विश्व को प्रबुद्ध करते हैं, और वो हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे अंतःकरण में रहते हैं।
मैं प्रणाम करता हूँ उन सूक्ष्म को जो दिखने में नहीं आता, और दुरंताय को जो अनंत है। वो इस विश्व को प्रलय के समय अपने मुख से आग निकालते हैं और इसकी प्रलय करते थे। अपने मुख से, संकर्षण के मुख से आग निकलती है, फिर ये पानी सब खोलने लगता है, सूर्य नीचे आता है, ऐसे प्रलय होती है। तो क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं वो संकर्षण जो मेरे अंदर झूठे अहंकार के कारण आसक्ति है, शरीर में, घर में मेरा मेरापन है, उस सारे को, ये जो ममत्व है झूठे अहंकार के कारण मेरा मेरा, इस सारे को आप समाप्त कर दीजिए। तो संकर्षण हमारे अहंकार को शांत करे, संसार में मैं मेरा करने से बचाए और भगवान की सेवा में लगाए। और जब ऐसे अहंकार हमारा ममत्व से, अहमत्व और ममत्व, मैं और मेरा से ऊपर उठ जाएगा और विषयों में आसक्त नहीं होगा, तो फिर भगवान हमारा सच्चा अहंकार आपकी सेवा में लगे, उसके लिए हमारी बुद्धि को जगाइए, प्रबुद्ध कीजिए। हे प्रद्युम्न, अहंकार शांत हो, झूठा समाप्त हो, सच्चा अहंकार भगवान की सेवा में लगने का हो जाए, तो फिर बुद्धि हमारी प्रद्युम्न आप भगवान के स्मरण में लगाइए, भक्ति में लगाइए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये विश्व का सृष्टि भगवान के ही निर्देश से होती है सब। प्रभुपाद जी कहते हैं, वैज्ञानिक संसार में कहते हैं कि ये पृथ्वी का आकर्षण है, सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख के बैठा है और ये सब चीज़ें अपनी जगह पे संगठित हैं पृथ्वी के आकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण। परंतु इस भौतिक जगत में इन सब का स्वामी वो तो भगवान है, और केवल ये सृष्टि को संगठित नहीं रखता है, समय आने के ऊपर इस सारी को बिखेर के प्रलय करके सब कुछ समाप्त भी कर देता, और उस समाप्ति के समय प्रलय की अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से प्रकट होती है। और इसका वर्णन प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय में, विश्व रूप में भगवान के मुख से ऐसे अग्नि निकल रही है, उसका वर्णन है। कि भगवान संकर्षण के रूप में आप सृष्टि को संगठित भी करते हैं और प्रलय भी करते हैं। प्रद्युम्न जो चतुर्व्यूह में तीसरे नंबर पे है, वसुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न जो तीसरे नंबर पे है, वो इस विश्व के वृद्धि के लिए और संरक्षण के लिए बुद्धि का काम है, वो कार्य करता है। और सूक्ष्म सूक्ष्म शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है, ये जो भौतिक शरीर हमारा है स्थूल है, परंतु इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का प्रभुपाद तीन लिखते हैं, और इनके अधिदेव चार हैं। वसुदेव चित्त का अधिदेव है, अनिरुद्ध मन का अधिदेव है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रद्युम्न बुद्धि का अधिदेव है, और संकृष्ण अहंकार का अधिदेव है। तो इसको कहते हैं चतुष्ट अंतःकरण, ये हमारा अंदर की इंद्रियां चार, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसके चार तो ये चतुर्व्यूह अधिदेव हैं, इनको प्रार्थना की जा रही है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ये हमारे बहुत स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का इस संसार में पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं। भगवद गीता में भी लिखा है
कि हमारा स्थूल शरीर जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि का बना हुआ है और हमारा सूक्ष्म स्वरूप मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है और ये सारों का स्वामी और नयनता भगवान है। कौन? वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। आगे वाले श्लोकों में और इसका विस्तार किया जा रहा है, तो 36वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेश इंद्रियात्मने, नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्त आत्मने। नमः नमो, बार बार नमस्कार करते हैं अनिरुद्ध को, जो मन के इंद्रियों में जो सबका स्वामी है मन, ऋषिकेन इंद्रिय आत्मने। ऋषिकेन का मतलब इंद्रियां, और उनके जो आत्मने उनके अंदर जो मुख्य है मन, उसका है देवता, उसका अधिदेव है, प्रिजाइडिंग डीटी है। और नमस्कार करते हैं परमहंसाय को। ये परमहंस के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो परमहंसाय परम सिद्ध है, और इस परमहंस का एक अर्थ निकाला है चक्रवर्ती पाद ने, सूर्य को नमस्कार करते, जो प्रद्युम्न का, जो अनिरुद्ध का विस्तार है, आएगा देखते हैं क्या है। और वो कैसा है? वो पूर्ण है, अपने प्रकाश से अनादिकाल से पूर्ण है। निवृत्त आत्मा ने, वो भौतिक प्रकृति से परे है, प्रभुपाद जी ने शब्द अर्थ में लिखा है। हे भगवान, अनिरुद्ध आपको प्रणाम करता हूं, जो आदि देव है इंद्रियों के स्वामी मन के, इंद्रियों के स्वामी मन के आदि देव भगवान अनिरुद्ध आपको प्रणाम करता हूं, और पुनः बार बार आपको प्रणाम करता हूं। आपको अनंत भी कहते हैं, संकर्षण भी कहते हैं, आप पूरी सृष्टि को अपने मुख की अग्नि से प्रलय करते हो, ये प्रभुपाद ने शब्द लिखे हैं। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैं अनिरुद्ध को प्रणाम करता हूं, जो मन के अधिदेव है, जो इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का स्वामी मन और मन का स्वामी अनिरुद्ध। अब मैं पूर्ण सूर्य को नमस्कार करता हूं, परमहंस का अर्थ लिखा है सूर्य, वो जीवों का पोषण करता है, सूर्य जीवों का पोषण करता है, तो परमहंसाय का अर्थ है जीवों का पोषण करने वाला। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आत्मने का मतलब जो नियंत्रण में रखने वाला है मन को, मन को नियंत्रण में रखने वाले, मन कौन सा? जो इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, उसको कहते हैं ऋषिकेश, मां इंद्रियों का स्वामी है, और उसका स्वामी है अनिरुद्ध। तो क्या कहना चाहते हैं अनिरुद्ध को? चक्रवर्ती पाद कहते हैं, हमारा मन केवल भक्ति की ओर ही आकर्षित हो, ये अनिरुद्ध कृपा करो, भक्ति को छोड़ के हमारा मन कहीं नहीं जाए। अंतःकरण के चारों विभागों को, चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, ये है अंतःकरण के चार विभाग, और इनके चारों आराध्य देव की उपासना करने से, उनको प्रणाम करने से, ये चार श्लोकों में वर्णन किया गया है। इससे हमारे पांच तत्वों का शरीर और उनसे बनी हुई इंद्रियां सब पवित्र होती हैं।
अब सूर्य देव परमहंस को प्रणाम करते हैं। नी का मतलब निरंतर और भृत का मतलब पोषण करते हैं। किसका? आत्मने जीवों का, सारे जीवों का निरंतर पोषण करने वाले सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। कहते श्रुति में शब्द लिखा है हंस, हंस सुचिष्ट 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 सुचिष्ट, हंस का अर्थ है सूर्य और सुचिष्ट का अर्थ है जो प्रकाश, जिससे प्रकाश निकलता है अथवा प्रकाश में जो निवास करता है। वो सूर्य, वो देवता, वो सूर्य के अधिदेव। तो सूर्य किसका अधिदेव? बोला आंखों का। हमारी हर इंद्री का एक देवता है, तो आंख के अधिदेव का नाम है सूर्य। ये हमारे आंखों के अधिदेव सूर्य हमारे को भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखने की शक्ति दीजिए। अब चार अंतःकरण को तो प्रार्थना करके शांत किया भक्ति में लगाने के लिए, अब इंद्रियों को, तो आंख के देवता सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। और सूर्य क्या करेगा? जो मेरे शरीर में शक्ति है वो सूर्य से आती है। कैसे आती है? प्रभुपाद जी लिखते हैं सूर्य करता है बरसात, बरसात से होता है अन्न, और अनाज से होती है हमारे शरीर की शक्ति, और अनाज ऐसे सूर्य करता है सबका पोषण। तो वो हमारे सारे शरीर को पवित्र करे, ये चक्रवर्ती पाठ का भाव है। श्री प्रभुपाद जी थे ऋषिकेश इंद्रिय आत्मने, इस शब्द का अर्थ है मन जो इंद्रियों का स्वामी है। ऋषिकेन इंद्रिय आत्मने, इंद्रियों का स्वामी मन, और अनिरुद्ध है उस मन का अधिदेव, मन का अधिदेव उसका नाम है अनिरुद्ध। ये बात तीन बार हो चुकी है फक्का, आपको ये चार अंतःकरण के विभाग और उनके चार आदिदेव ये आपको याद होना चाहिए। चित्त का वसुदेव, अहंकार का संप्रेषण, बुद्धि का प्रद्युम्न, मन का अनिरुद्ध। इसलिए ये मंत्र वासुदेवाय संकृष्णाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय नमः, इनसे हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रार्थना है। मन बुद्धि भगवान में लगे, अंतःकरण में मेरा के बजाय भगवान मेरा ऐसे करें, और हमारी चेतना जो भौतिक है वो कृष्ण भावना भावित हो जाए। अब इंद्रियों के देवताओं, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं भक्ति करने के लिए मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करना पड़ा, भगवान के चरणों के ऊपर। कृष्ण के लिखा है मन कृष्ण पदारविंदय, ये प्रभुपाद जी के लिखते समय ये शब्द प्रार्थना का, किसके प्रार्थना का? अम्बरीश महाराज की प्रार्थना का आया मन कृष्ण पदारविंद, मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में निवास करे, स्थिर रहे। इसके लिए भगवान शंकर मन के अधिदेव को प्रार्थना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं अनिरुद्ध को, और उसकी कृपा से मन सदा भगवान के चरणों में लगे। और यहाँ प्रभुपाद जी को मन शब्द के ऊपर भगवत गीता का ये श्लोक स्मृति में आया कि भगवान ने तो कहा है मन मना भव मद भक्तो मद याजमान, तो मन भगवान में लगने के लिए मन के देवता को प्रार्थना, मन के अधिदेव को प्रार्थना करनी चाहिए। तो मन क्या करेगा कि भगवान के चरणों का ध्यान करेगा।
तब हमारी भक्ति हो सकेगी। भगवद गीता के 5:15 में भी कहा हुआ है, मतस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि ज्ञान स्मृति और भुलाने की शक्ति भगवान से आती है। अनिरुद्ध हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे मन को भगवान की सेवा में लगाए। अब यहां तक अनिरुद्ध को पूरा करें, अब सूर्य के ऊपर आते हैं, परमहंस के ऊपर। प्रभुपाद लिखते हैं, अनिरुद्ध अपने विस्तार से सूर्य देव हैं। यहां प्रभुपाद की लेखनी से ऐसे दिख रहा है सूर्य अनिरुद्ध ही सूर्य देव है, क्योंकि वो अनिरुद्ध का विस्तार है। इसलिए भगवान शंकर सूर्य देव को प्रार्थना कर रहे हैं श्लोक में। इतना लिख के प्रभुपाद जी फिर कृष्ण के चतुर्व्यूह वसुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये क्या है प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये हमारे अंतःकरण के अधिदेव है। ये जो हमारा मनोविज्ञान के लिए मन का कार्य है, उसके अंदर प्रभुपाद लिखते हैं, जिससे हम संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, सोचते हैं, इसके अधिदेव है। अब अनिरुद्ध के विस्तार सूर्य देव को क्यों प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर, क्योंकि वो भौतिक सारे पदार्थों को, जिससे शरीर बना हुआ है, उसका पोषण करते हैं। सूर्य शरीर के भौतिक पदार्थों का पोषण करते हैं। कैसे करते हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने लिखा है कि परमहंस की एक दूसरा अर्थ है सूर्य देव, जो हम पढ़ के आए श्रुति से, सूर्य स्वरुचिष्ट सुचिष्ट लिखा था। जो और यहां सूर्य देव को कहा गया है निभृत आत्मने, निभृत आत्मने, इसका हमने निरंतर पोषण जीवों का, तीन अर्थ निकाले थे चक्रवर्ती द्वारा। नि का मतलब निरंतर, और भृत का मतलब पोषण करना, और आत्मने का मतलब सब जीवों का। इसका अर्थ है कि सारे लोकों के अंदर जीवों का पोषण वर्षा से होता है, और सूर्य देव जल को बादल बनाकर समय के ऊपर बरसात करते हैं, और उससे अन्न का उत्पादन होता है, और धरती से अन्न के उत्पादन से हमारा शरीर बनता है, और सारे जीवों का पोषण होता है। और यहां सूर्य देव को पूर्ण भी कहा है, परमहंसाय पूर्णाय। पूर्ण का अर्थ है कि उनका प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के स्वरूप से जो प्रकाश निकलता है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अनंत काल से, आज करोड़ों वर्षों से आ रहा है, जब से सृष्टि हुई है तब से आ रहा है। सबको भगवान सूर्य देव, सूर्य नारायण प्रकाश दे रहे हैं, कभी उसमें कोई कमी नहीं आई है। और प्रभुपाद जी कहते हैं परमहंस शब्द का एक अर्थ और भी है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को धो के साफ कर दिया, भौतिक कलमशों से साफ किया, वो परमहंस है। प्रायः हम परमहंस का अर्थ समझते हैं हंस, जो खीर और नीर में भेद कर लेता है, जल को दूध को जल से अलग कर सकता है। ऐसे भौतिक जगत से आध्यात्मिक चीजों को अलग करके केवल भगवान में लगे वो परमहंस, इसका भौतिकता को धो दे और आध्यात्मिकता में स्थित हो जाए वो परमहंस, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। और प्रभुपाद जी इस परमहंस शब्द को कहते हैं कि सूर्य देव जब पूर्ण रूप से प्रकाश देते हैं, पर्याप्त मात्रा में जब प्रकाश देते हैं,
तो हमारा मन साफ हो जाता है, शफाफ हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दूसरे शब्दों में सूर्य की कृपा से मानव परमहंस के स्तर पे आता है, उसका मन पवित्र होता है। इसलिए शंकर जी अनिरुद्ध को प्रार्थना कर रहे हैं, जो मन के अधिदेव हैं, जो मन को शुद्ध करे, पवित्र करे और भगवान की भक्ति में लगे। जैसे अग्नि सारे कलमश को धो के साफ करती है, सारे कीटाणु को मार के स्वच्छ स्टरलाइज करती है, ऐसे मन को साफ करने के लिए, धोने के लिए और उसको आध्यात्मिक स्तर में लाने के लिए अनिरुद्ध को प्रार्थना की जा रही है। अब हम 37वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। स्वर्ग अपवर्ग द्वाराय नित्यं शुचि सदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे। स्वर्ग का अर्थ सबको आता है स्वर्गलोक, अपवर्ग का अर्थ है मुक्ति और द्वार का मतलब जिसका दरवाजा। स्वर्ग और मुक्ति के दरवाजे। नित्यम शुचि षडे नमः, नित्यम सदा के लिए शुचि पवित्र, षडे नमः और षडे का अर्थ है शुचि षडे, जो पूर्ण रूप से पवित्र है उसको नमस्कार करते हैं। नमो हिरण्यवीर्याय, नमस्कार करते हैं हिरण्य, हे अनिरुद्ध, हे भगवान अनिरुद्ध, हे मेरे भगवान अनिरुद्ध, आप स्वर्ग और अपवर्ग का द्वार खोलने वाले हैं और आप निरंतर शुद्ध जीवों के हृदय में निवास करते हैं। आप हिरण्य रेतस हैं, हरे कृष्णा। कॉल ट्राई कर लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हाँ, मेरा खुला हुआ वो चला गया, निकालो फिर भाई कहाँ गया, ये कोई नेट। हरे कृष्ण। ओके, कहीं से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। हरे, आप अग्नि के रूप में जो चतुर्होत्र यज्ञ के जो चार नाम है उसमें सहयोग करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चक्रतिपाद लिखते हैं, निरंतर मैं सूर्य के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ भगवान। वो सूर्य जिसके लिए अभी हमने सुना के अनिरुद्ध का विस्तार है, वो स्वर्ग और अपवर्ग का दरवाजा खोलता है। मैं अग्नि को प्रणाम करता हूँ जो चार प्रकार के होता, होता कहते हैं जो यज्ञ करने वाले पुरोहित हैं, जो अग्नि से यज्ञ करते हैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो अग्नि वाणी का देवता है। तो अब आँख से तो भगवान का दर्शन, अभी वाणी से भगवान का गुणगान है। तो अब ये याद रहे कि सूर्य है आँख का आदि देव और वाणी का आदि देव है अग्नि। उसको प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी वाणी गोविंद के गुण गाए, मेरी शक्ति जो अग्नि से भिन्न है वो पवित्र हो जाए,
मैं उसको प्रणाम करता हूँ। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्वर्ग तो सब जानते हैं, सहयोग करके लोगों को स्वर्ग तक पहुँचाते हैं, परंतु वो तो मुक्ति का मार्ग भी भक्ति के द्वारा मुक्ति का मार्ग भी खोल देते हैं। जैसे गर्मी से भौतिक आग है उससे गर्मी निकलती है, ऐसे अनुरुद्ध की कृपा से हम भक्ति में लगे तो इसका भाव है वही अग्नि जो हमारी जीभा की अधिदेव है, जो हमारी वाणी की, वो हमारी वाणी को भगवान के गुणगान में लगाए। फिर हमारा अपने आप बंद हो गया।